हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में सिंपल एंड क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा सुपर क्रिस्पी ये बनकर तैयार होते हैं। आप इसकी आवाज़ खुद सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है ये। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी ये फ्राइड चिकन कैसे बनाते हैं, चलिए सीख लेते हैं। तो आज मैं आपको इसकी परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ, साथ में इसके एक स्पेशल डिप है जो कि इसके साथ में बहुत अच्छी लगती है। चलिए फिर इन दोनों को कैसे बनाना है सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्राइड चिकन बनाने के लिए चिकन लिए हुए हैं। मैंने होल चिकन लिया था और इनको मैंने इस तरह से जो फुल पीसेस में रहते हैं वैसे ही कटवाया हुआ है, छोटा नहीं करवाया है। और ये 1.5 kg चिकन है। इसके साथ ही अभी हमें इसमें कुछ मसाले लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आधे नींबू का रस ले रही हूँ। बस इस तरह से हमें इसमें लेमन जूस डाल देना है। आप चाहे तो यहाँ पे लेमन जूस नहीं है तो विनेगर डाल दीजिएगा। इसके साथ ही इसमें मैं 1 बड़े चम्मच या 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में हमें इसमें 1.5 टीस्पून नमक डालना होगा। तो यहाँ पे हमने नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में हमें डाला है नमक। बस ये जो सारी चीज़ें हमने डाली हैं इसे डालकर आप इन चिकन पीसेस को अच्छे से रब कर दीजिए, इन पे ये मसाला लगा दीजिए। और अभी बस यही सारी चीज़ों के साथ में हमें इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए रखना है। 20 मिनट के बाद में चिकन बहुत अच्छा टेंडर हो जाएगा। जब तक यहाँ पे चिकन जो है मैरिनेट हो रहा है तब तक मैं स्पेशल डिप बना लेती हूँ, जिसके लिए ग्राइंडर जार लिया है मैंने। उसमें मैं 1 बड़ी मिर्च है, हरी मिर्च, वो डाल रही हूँ, थोड़ी तीखी है इसीलिए 1 ही लिया है। 2 लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ मैं और 1 मुट्ठी भर कर धनिया है जिसको अच्छे से वॉश किया हुआ है मैंने। इसके साथ ही इसमें मैं आधा नींबू रस डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 1 नींबू पूरा लग गया है इस रेसिपी में, आधा मैंने चिकन में डाला है, आधा यहाँ पे डाला है। इसके साथ ही बस थोड़ा सा हमें नमक डालना होगा। नमक के साथ ही 1 बड़े चम्मच इसमें मैं हंग कर्ड डाल रही हूँ, टंगी हुई दही। और इसके साथ ही इसमें हमें एक चीज़ डालनी है, ये है मगज़। यहाँ पे 4 मगज़ मैंने 2 बड़े चम्मच लिया हुआ है जिसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लेम पे चढ़ाया हुआ है ये पैन। तो ये जो हमने मेलन सीड्स ली है इसे हमें बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेना है फ्लेम हाई कर, जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। देखिए यहाँ पे कलर इसका लाइट ब्राउन होने लगा है, तो बस फ्लेम ऑफ कर दीजिए और हल्का सा ठंडा करने के बाद में ये जो मिक्सर है इसको आप इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए चटनी बनाने के लिए मैं मेलन सीड का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे चटनी बहुत अच्छी बनती है, आप एक बार ट्राई कर देखिएगा। बस हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी और इसको ग्राइंड कर लेना है और ये हमारी बेहतरीन इजी सुपर टेस्टी चटपटी सी ये डिप जो है रेडी हो गई है। यकीन मानिए बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। आपने कभी भी इस तरह की ऐसी चटनी नहीं खाई होगी जो कितनी मज़ेदार लगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। इसका टेस्ट पता है वैसे ही रहता है जैसे बादाम का जो नटी फ्लेवर आता है ना वैसे ही टेस्ट मिलेगा आपको। एक बार ट्राई करें, आपको ये चटनी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए चटनी हमारी तैयार है और 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे चिकन जो है बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका होगा, इसका कलर बदल जाता है क्योंकि हमने इसमें लेमन जूस डाला था, इसकी वजह से ये बहुत अच्छा टेंडर हो जाता है। इसके बाद में हमें इसमें कुछ और भी मसाले लगाने हैं। सबसे पहले मैं इसमें 1 बड़े चम्मच देगी मिर्च पाउडर ले रही हूँ। इसके साथ ही इसमें मैं भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर 1 छोटे चम्मच डालूंगी। 1 छोटे चम्मच हमें इसमें धनिया पाउडर डालना है, साथ में हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डालना है, बिल्कुल फ्रेश कुटी हुई 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं। और इसके साथ ही इसमें बस हमें 1/4 टीस्पून थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है, ऑरेंज फूड कलर हमें डालना है 1 पिंच और गरम मसाला 1/2 छोटे चम्मच। अभी देखें ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हमें अच्छे से चिकन पे लगा देना है। और अब कलर देखें कितना खूबसूरत बेहतरीन सा आया है। यहाँ पे जो हमने देगी मिर्च पाउडर यूज़ किया है वो हल्का सा तीखापन भी देगा और प्लस कलर बहुत अच्छा देगा। और कलर के लिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है, आप चाहे तो नहीं भी डालें, ऑप्शनल है। और ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये सारा मसाला हमने लगा दिया है। अब हमें नेक्स्ट मसाला इसके ऊपर और अप्लाई करना है, जिसके लिए मैं इसमें टंगा हुआ दही यानी कि हंकड़ ले रही हूँ। यहाँ पे आपने इस रेसिपी में हंकड़ ही लेनी है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल दही जो घर में आप जमाते हैं उसको छन्नी के ऊपर रख दीजिए, उसका जो एक्सेस मॉइस्चर होगा, पानी होगा, वो निकल जाएगा और ऊपर में जो रह जाएगा ना वही आपका हंकड़ है। इसके बाद में हमने इसमें डालना है एक स्पेशल मसाला जो कि रेडीमेड आता है, बस ये एक पूरा मैं डाल दे रही हूँ। यहाँ पे 1 सैशे ली हुई है मैंने एवरेस्ट का मीट मसाला, यहाँ पे बहुत अच्छा टेस्ट देगा ये। तो तकरीबन यहाँ पे 2 बड़े चम्मच इसमें रहता है तो वही मैंने डाल दिया है पूरा। और देखें हंकड़ की वजह से इसमें बहुत अच्छी सी बाइंड मिल जाएगी इसको, और अच्छे से मसाला लगा दीजिए। मसाला लगाने के बाद में इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल बदल जाएगा। तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग एजेंट भी डालना पड़ता है। तो बाइंडिंग एजेंट डालने के लिए मैं इसमें ग्राम फ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मैं ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच। इससे बहुत ही ज़बरदस्त कोटिंग अच्छी मिलती है इसको। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। बस यहाँ पर यही दोनों चीज़ें
चीज़ें हमें डालनी हैं, और उसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ भी डालना बताऊंगी जिससे कोटिंग आपकी बिल्कुल भी निकलेगी नहीं और बहुत ज़बरदस्त बहुत ही अच्छे ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनकर तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा ये जो बेसन और कॉर्नफ्लावर है इसने कोटिंग पकड़ ली है, तो इस कोटिंग को हमें फिक्स करना रहता है। इसको फिक्स करने के लिए मैं इसमें एक अंडा डाल रही हूँ और अंडे से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और आपको लगेगा नहीं कि इसमें अंडा डला हुआ है। सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला दीजिए और याद रखिए मैंने पानी अभी तक बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो पानी डालने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यही सारी चीज़ें आपने डालनी है, जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया है बस वैसे फॉलो करें और अच्छे से चिकन को मिला कर रख दीजिए तकरीबन 15 से 20 मिनट और, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने इसको बाहर नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। बाहर रखेंगे तो ये बिल्कुल पानी छोड़ देगा और अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप फ्रिज में आप चाहें तो इसको 1 से 2 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहले फ्राई करनी है तो 15-20 मिनट काफ़ी होगा। तो अब देखें 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको फ्रिज में रखा था और अभी ये बिल्कुल मैंने निकाला है और इसे मैं वापस से एक बार मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे इसे मिलाना बहुत ज़रूरी है, जितने अच्छे से आप मिलाएंगे उतने अच्छे ये फ्राई होंगे। तो देखें इस तरह से मिलाकर इसने कोटिंग बहुत अच्छी सी पकड़ ली है, इवन सी कोटिंग हो रखी है इस पर। तो बस अभी हमें तेल गर्म करना है, तेल को आप करें मीडियम हॉट सा गर्म और उसमें एक एक कर ये चिकन पीसेस को ड्रॉप कर दीजिए। बहुत अच्छे यहाँ पर इनकी कोटिंग जो है बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो मीडियम हॉट ऑयल में सारे पीसेस डाल देने हैं और 2 से 3 मिनट तक आप इसी तरह से इसी टेम्परेचर में इसको फ्राई होने दीजिए और ठीक 3 से 4 मिनट बाद में आप फ्लेम को हाई कीजिए और हाई फ्लेम पे जैसे जैसे ये फ्राई होने लगेंगे बहुत अच्छे से इनमें खुशबू आने लगेगी फ्राई होने की। तो तेल में जाने के बाद में चिकन थोड़ा श्रिंक भी होता है, सिकुड़ता भी है और साथ साथ में इसके मॉइस्चर भी रिलीज होते हैं, इसके जूसेस रिलीज होते हैं, तो ये थोड़ा सा छींटे आने लगती हैं, आवाज़ निकलने लगती है। तो यहाँ पर अभी हमें फ्लेम को हाई करनी है और हाई फ्लेम पर हल्का सा स्टर करना है जिससे जो है ये बहुत अच्छे से फ्राई होने लगेगी। तो पहले के 4 से 5 मिनट आप बिल्कुल भी स्टर नहीं कीजिएगा, जैसे फ्लेम हाई करेंगे ना वैसे ही आपने थोड़ा सा इसको हल्का सा नीचे से स्टर करना है कि कोई भी अगर चिपका हुआ होगा तो वो उठ जाएगा और वो अच्छे से फ्लोट होकर तेल में फ्राई होगा। तो बस देखें यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने इसको पहले 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद में बाकी के 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे, तो ऑल टुगेदर हो गए 7-8 मिनट। उसके बाद में आप फिर से धीमी करिएगा फ्लेम को और उसके बाद में इसे फ्राई कर लीजिएगा। जैसे जैसे आप फ्राई करते जाएंगे इसकी कोटिंग जो है इसको पकड़ने लगेगी और कोटिंग बिल्कुल भी निकलेगी नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं जो इसकी कोटिंग को फिक्स कर देती है और बहुत अच्छे से चिपकी हुई रहती है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। और अब देखिए चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो अब यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, पहले के मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लिया, जितनी भी मीडियम फ्लेम पे कसर रहेगी ना चिकन वो बाकी पूरी हो जाती है, टेंडर हो जाता है बहुत अच्छे से चिकन और बहुत ज़्यादा जूसी बनकर तैयार होता है। इस चिकन की यही खासियत है, इस तरह से अगर आप फ्राई करेंगे जो मैंने प्रोसेस बताया है आपको, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगा और बहुत ज़बरदस्त जूसी सा टेस्टी सा बनता है। अंदर में इसके बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। तो लास्ट के 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे वापस से मैंने इसको फ्राई कर लिया है, ऑल टुगेदर मुझे इसको फ्राई करने में लग जाएंगे 9 से 10 मिनट और बेहतरीन क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमारा पहला बैच गर्मा गर्म चिकन फ्राई होकर रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा जूसी है और बहुत गर्मा गर्म है अभी और बहुत क्रिस्पी है। तो बस यहाँ पे प्लेट अरेंज कर लेते हैं, जिसके लिए थोड़े से मैंने प्याज के लच्छे लगाए हुए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची है जिनको तीखा पसंद है वो ले लेंगे और साथ में ये डिप बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म ये चिकन फ्राइड जो है आप इंजॉय करें इस डिप के साथ में, या अगर आप दाल चावल बना रहे तो उसके साथ में, अगर आपको क्रिस्पी फ्राइड चिकन खानी है तो बस दाल चावल और ये चिकन फ्राई बेस्ट मील हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप भी ये फ्राइड चिकन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए रिजल्ट शो किया हुआ मैंने, जहाँ पर बहुत ही क्रिस्पी है ये कुरकुरी सी मैंने आवाज़ सुनाई है और इसको तोड़कर भी दिखाया है। आप भी इस तरह से ये वाले चिकन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना। तो आप भी इस तरह से ये जूसी टेस्टी चिकन फ्राई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई फ्रेंड्स तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा मेरी लेटेस्ट रेसिपीज़ की अपडेट पाने के लिए। चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।